नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह। और मैं निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में कोरोना का गुरुवार, एक ही दिन में सामने आए 31 नए पीड़ित। हिमाचल में 11,90,000 लोगों ने डाउनलोड की आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, कोरोना से निपटने में मददगार। संकट में भी नहीं मान रहे अफवाहें फैलाने वाले, मंडी में 2 के खिलाफ मामला दर्ज। प्रवासियों की भलाई को हिमाचल प्रतिबद्ध, निजी बसों के जरिए घर भेजे लोग। कालका से उत्तर प्रदेश के लिए चलेंगी विशेष रेलगाड़ियां, हिमाचल से HRTC की बसें पहुंचाएंगी स्टेशन। 1 जून से ऊना और दिल्ली के बीच नियमित रेल, ऑनलाइन बुकिंग शुरू। और प्रदेश में 26 मई तक खिलेगी धूप, समूचे राज्य में गर्मी बढ़ने के आसार। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश गुरुवार को अभूतपूर्व रूप से कोरोना संक्रमण का गवाह बना। अंतिम जानकारी मिलने तक प्रदेश में एक ही दिन में रिकॉर्ड 31 पीड़ित सामने आए। यही नहीं, प्रदेश के सबसे छोटे जिला हमीरपुर में भी नया रिकॉर्ड बनाते हुए एक ही दिन में 20 मामले सामने आ गए। आज दिन की शुरुआत में सोलन जिला के नालागढ़ में 5 पीड़ित होने की जानकारी सामने आई। ये सभी लोग पश्चिम बंगाल से यहाँ पहुँचे थे और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखे गए थे। इसके बाद कांगड़ा जिला के परौर स्थित क्वारंटाइन सेंटर में 6 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की खबर मिली। ये लोग मुंबई से हिमाचल पहुंचे थे। कुछ ही समय बीता था कि हमीरपुर के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर्स में रखे गए लोगों के संक्रमित होने की जानकारी सामने आने लगी। पहले 5 पीड़ितों की रिपोर्ट मिली, लेकिन दोपहर बीतने के कुछ देर बाद 5 और लोगों के पीड़ित होने की जानकारी सामने आ गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई और शाम ढलने से काफी पहले हमीरपुर जिला से ही 6 और कोरोना पीड़ित सामने आ गए और इसके बाद 4 और मामले। गनीमत यह रही कि सभी पीड़ित एहतियातन विभिन्न क्वारंटाइन केंद्रों में रखे गए थे और ये बाहरी प्रदेशों से हिमाचल आए थे। इसके साथ ही हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव की कुल तादाद 141 हो गई है। इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 84 लोग एक्टिव हैं। शेष पीड़ित स्वास्थ्य लाभ के बाद अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना संक्रमण से सचेत रहने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप हिमाचल में भी लोकप्रिय होती जा रही है। मौजूदा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 11,90,974 लोग यह उपयोगी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर चुके हैं। बता दें कि जिस गति में हिमाचल में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए इस ऐप का इस्तेमाल काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कारण यह है कि इसे इस्तेमाल कर यह जाना जा सकता है कि आपके आसपास कोई कोरोना पीड़ित तो नहीं है। जहां हिमाचल सरकार, समूचा प्रशासन और आम जनता कोरोना को पराजित करने में जुटे हैं, वहीं कुछ लोग अफवाहें फैलाकर भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया मंडी जिला में, जहां एक महिला की मौत की झूठी खबर उड़ा दी गई। बता दें कि वह महिला नेरचौक में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही है। हालांकि बल पुलिस ने मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए घनश्याम और मुनीश नामक 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी राजेश ठाकुर ने बताया कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब रुकते हैं एक संदेश के लिए। लोकल के लिए वोकल बने, लोकल खरीदें और लोकल पर गर्व करें। कोरोना से भयभीत होकर घर लौट रहे मजबूर प्रवासियों की पीड़ा का गवाह बेशक सारा भारत बन रहा है, लेकिन हिमाचल में सिक्के का दूसरा पहलू नुमाया हो रहा है। यहां प्रशासनिक अधिकारी घर जाने के चाहवान प्रवासियों को पूरी व्यवस्था के साथ रवाना कर रहे हैं। 24 आदमी जो कि यूपी के गौरखपुर और गाजीपुर के थे, अमूमन उनको हमने 4 बसेस में भेजा है
और उनका पूरा जो परमिशन वगैरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेकर के कल हमने पूरा वो प्रोसेस चला लिया था, और उसके बाद इनकी पूरी परमिशन दे करके पूरे कागजात उनके हवाले करके और प्रॉपर स्कैनिंग वगैरह करके उनको भेजा है, ताकि वे न केवल सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सके बल्कि उन्हें रास्ते में भी परेशानियां ना झेलनी पड़े। इसी कड़ी में आज कांगड़ा के जवाली से उत्तर प्रदेश के 124 प्रवासियों को 4 निजी बसों के जरिए घर भेजा गया। दूसरी ओर बिलासपुर जिला के शाहतलाई से 42 प्रवासियों को 2 निजी बसों में रवाना किया गया। हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निवासी या राज्य में काम कर रहे बाहरी राज्यों के लोग अगर उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बड़ा अवसर है। दरअसल कालका रेलवे स्टेशन से 22, 24, 26 और 28 मई को विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिए रवाना होंगी। सोलन के उपायुक्त केसी चमन ने बताया कि हिमाचल से इच्छुक लोगों को HRTC की बसों के जरिए कालका रेलवे स्टेशन पहुंचाया जाएगा। हालांकि सफर करने की अनुमति केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने प्रादेशिक स्तर पर नोडल अधिकारियों के माध्यम से पंजीकरण करवाया होगा। कोरोना संकट से जूझ रहे हिमाचल के लिए कुछ राहत के पल भी सामने आ रहे हैं। ऐसी ही खुशखबरी है रेल मंत्रालय की ओर से लिया गया ताजा फैसला। इसके अनुसार देश भर में 100 नई रेलगाड़ियां नियमित रूप से चलाने का निर्णय लिया गया है। इनमें से एक ट्रेन हिमाचल के लिए भी चलेगी। दिल्ली से ऊना के बीच पहली जून से चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। अगर प्रयोग सफल रहा तो प्रदेश को कुछ और रेलगाड़ियां चलने की उम्मीद भी बंध जाएगी। केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि पहली जून से जो जनशताब्दी ट्रेन है वो ऊना से दिल्ली जाएगी, दिल्ली से ऊना आएगी, रेगुलर चलेगी और उसकी बुकिंग जो है वो 21 तारीख आज से शुरू हो गई है। तो जिन लोगों ने भी बुकिंग करवानी है वो करवा सकते हैं। ये केंद्र सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश वर्मा का आज उनके पैतृक स्थान थानाधार में अंतिम संस्कार कर दिया गया। 3 बार विधायक रहे श्री वर्मा का कल दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए दूर दूर से समर्थक पहुंचे और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर परिजनों समेत आम जनमानस की आंखें भी खूब छलकी। दिग्गज नेता को अंतिम प्रणाम करने के लिए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, विधायक बलवीर वर्मा व विधायक राकेश सिंघा सहित प्रशासनिक अधिकारी भी उनके पैतृक स्थान पहुंचे। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जो है वो एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। राकेश वर्मा जी उन राजनेताओं में से थे जिनका जमीनी स्तर पर जो है वो आम नागरिक से जुड़ाव था और वो किसी भी गरीब की, किसान की, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति उनके पास मदद के लिए आता था तो वो सरकारी तौर पर तो जो संभव हो सकता है वो करते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी उसकी पूरी मदद करते थे। हिमाचल प्रदेश में 26 मई तक आसमान साफ बना रहेगा। जाहिर है कि इस दौरान पारा उछलेगा और लोगों को बढ़ती गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि 27 तारीख को प्रदेश के कुछ स्थानों पर राहत की फुहारें गिरने की उम्मीद है। इस बीच आज राज्य के लगभग सभी स्थानों पर चटक धूप खिली जिससे अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आया। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में रिकॉर्ड किया गया जो 39.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गर्मी का अंदाज ऐसा कि केलांग जैसी ठंडी जगह का अधिकतम तापमान भी 2 डिग्री उछलकर 21.3 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। और अब चलते चलते जिस सेंटर में बांटे फल वहां से निकले कोरोना मरीज, अब खुद होम क्वारंटाइन हुए विधायक परमजीत पम्मी, पूर्व विधायक KL ठाकुर। प्रदेश में धड़ाधड़ बढ़ रहे कोरोना के केस, बैजनाथ कोविड केयर सेंटर फुल, अब तक पहुंचे 29 मरीज। हवाई यात्रा के लिए गग्गल एयरपोर्ट प्रबंधन की तैयारी, सोशल डिस्टेंसिंग का रहेगा खास ख्याल। और रोहड़ू में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में जा समाई कार, 2 की मौत, 3 सवार जख्मी। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं काकूराम ठाकुर की ये प्रस्तुति।
वो चंबे मिंजराला गोरी हो मेरी ये बाकी गोरी ये चंबे मिंजराला गोरी हो मेरी ये बाकी गोरी ये ओ असा मिंजरा जो जाना वो मेरी ये बाकी गोरी ये ओ असा मिंजरा जो जाना वो मेरी ये बाकी गोरी ये चंबे मिंजराला गोरी हो मेरी ये बाकी गोरी ये गोरिए लगा लवी मेला राम पुर बाकी गोरिए होती जो डाटू मैं पुआन वो मेरी बाकी गोरिए तीजो डाटू मैं पुआन वो मेरी बाकी गोरिए वो लगा लवी मेला राम पुर बाकी गोरिए चंबा छठी राम पुर होना चल चोरिए चंबा छठी राम जो मंडी एरी सैर करानी गोरिए मंडी मेला शिव रात रिदा चैल गोरिए मंडी मेला शिव रात रिदा चैल गोरिए देवी देवते दा दर्शन पाना गोरिए देवी गोरिए ना ता छड़या घर बार मेरी बाकी गोरिए तेरे पीछे होए बर्बाद मेरी बाकी गोरिए काकू करे तिजो प्यार मेरी बाकी गोरिए तू है सच्चा मेरा प्यार मेरी बाकी गोरिए। देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि, कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।